दरभंगा के अलीनगर में ट्रक और टेम्पो के सामने से टक्कर 11 लोग बुरी तरह जख्मी। जी हां, दरभंगा जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ी टेघा पथ के मिलकी टोला मोड़ के पास शुक्रवार को करीब 10 बजे में टेम्पो और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में टेम्पो सवार दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। सभी को स्थानीय सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां से 6 गंभीर जख्मियों को डीएमसीएच रेफर किया गया। धमुआरा गांव से सभी सवारियों को लेकर टेम्पो चालक बेनीपुर बैंक पर ले जा रहा था। इसी क्रम में मिलकी टोला के मोड़ के मंदिर के पास सामने से आ रहा ट्रक से रफ्तार कोहासा के कारण टकरा कर पलट गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सभी जख्मियों को अलीनगर सीएससी में भर्ती कराया और ट्रक को भी घेर कर थाना को सूचना दी। हालांकि इसी क्रम में ट्रक चालक घटनास्थल से भागने में सफल रहा। थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तत्काल ट्रक एवं टेम्पो को जब्त कर लिया। इतने में घायलों के परिजन भी जानकारी मिलते ही अस्पताल पर पहुंच गए। इधर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल हो चुके मनहर के सोने मुखिया की पत्नी लालदाई देवी, भीखो मंसूरी की पत्नी जाहिदा खातून, आलम मंसूरी की पत्नी हजदा खातून, मोहम्मद रेहान की पत्नी रवाना खातून और धमुआरे से सुकल मुखिया की पत्नी कलिता देवी एवं सैनी मुखिया की पत्नी फुलदाई देवी को डीएमसीएच रेफर किया गया, जिनमें सबसे अधिक खराब स्थिति फुलदाई देवी की बताई जा रही है। वही धमुआरा के कारी मुखिया की पत्नी दोनी देवी, शकील की पत्नी समीना खातून, सोने मुखिया की पत्नी बुच्ची देवी, मनहर के सगीरा खातून और मोहम्मद रेहान को स्थानीय इलाज के बाद घर भेज दिया गया। बताया जाता है कि सभी घायल समूह ऋण के लिए कड़ाके की ठंड और कुहासे में टेम्पो से बेनीपुर बैंक जा रहे थे। गाँव मैं घर हुआ अनिल प्रखंड में, घर धमवाड़ा हुआ, धमवाड़ा पंचायत, माना विजय मुखिया। एक टेम्पो सवारी था, हम लोग की है कि बेनीपुर 12 आदमी था इसमें लेडीज की टेम्पो ले आदमी बेनीपुर जा रहा था कोई काम से। फिर सामने में ट्रक आया और टेम्पो को ठोक दिया। सब बहुत गंभीर घायल है, कोई का सर फटा हुआ है, कोई का पाँव टूटा हुआ है। हम लोग चाहेंगे सलाह मिला जाए। किस गाड़ी से लगा था? ट्रक से। वो ट्रक अभी क्या प्रशासन के कब्जे में है? थाना में अभी है। कौन से थाना में? थाना में अलीनगर, अलीनगर थाना में है। अभी आप लोग कहाँ पे आए हैं? हम लोग डी एम सी आए हैं, दरभंगा इमरजेंसी वार्ड में है। यहाँ आप लोग को सुविधा मिल रही है? कोई तरह का सुविधा मिल रहा है क्या?